जी अस्सलाम वालेकुम, डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि किसी किस्म की परेशानी ना आपको। तमाम मालूमात मैं कोशिश करता हूँ वीडियो के अंदर ही मैं बता दूँ आपको, और लोकेशन, डेट, टाइम सब चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें बताऊँ आपको, और तमाम चीज़ें आपने देख लेनी है, सुन लेनी है ताकि किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का नाम आप सुन लें, कंपनी का नाम है जी गोल्डन सैंड होटल अपार्टमेंट है, ठीक है। इनके जो इनका जो काम है वो होटल एंड अपार्टमेंट के साथ बेसिक है। तो ये होटलों या अपार्टमेंट के अंदर इनको देखें, तमाम लेबर अपनी ही चाहिए होती है, जो यानी कि जिसमें कारपेंटर आ गया या लकड़ी पॉलिश के लिए, वुड पॉलिश के लिए पेंटर हो गया, और ऑपरेटर हो गया, मशीन ऑपरेटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इस तरह के यानी कि बड़ी फील्ड है, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, यानी कि सुपरवाइज़र हो गया, मैनेजर हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ काम इनके पास आते रहते हैं। तो अभी जो वैकेंसी आई हैं तकरीबन 7-8 वैकेंसी हैं, नीचे मैं शो भी करता जाऊंगा, आप इसमें भी देख लें, और मैं साथ आपको बता भी देता हूं जिन लोगों को नहीं पढ़ना आता, और जो लोग मेरे यानी कि बहुत सारे दोस्त भाई समझ गए होंगे, नहीं इजीली समझ सकते, तो उनके लिए मैं साथ समझाता भी जॉब को बेसिक। इसमें जो फर्स्ट जॉब आई है वो मैकेनिक CNC ऑपरेटर की जॉब है, और लोकेशन दुबई की है, ठीक है जी। दुबई में ही काम करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा ये है कि 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रही है कंपनी, और देखें इसके साथ ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो भी लेके जाने हैं, CV लाजम आपने लेके जानी है, CV के ऊपर मेंशन करना है जिस जॉब के लिए भी आपने अप्लाई करना है, ताकि आपको ईज़िली वो ईज़िली आपको जॉब दे सकें, और इंटरव्यू में यानी कि पढ़ सकें किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा है जी डेफ्ट मैन की जॉब है, इसमें ये होता है कि देखें वो राइडर का एक साथ की जॉब है, यानी कि इसमें डॉक्यूमेंट्स इधर उधर लेके जाने ऑफिसों में, तो उसमें बाइक लाइसेंस या गाड़ी का लाइसेंस होना आपके पास ज़रूरी है। ये दोनों में से कोई भी लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए भी। तो इसमें आगे जो थर्ड जॉब है ये है जी स्टील सीनियर स्टील सुपरवाइज़र की जॉब है, जो सुपरवाइज़र की जॉब है, ठीक है, इसी कंपनी के अंदर। तो इसके लिए भी जो लोग एक्सपीरियंस रखते हैं किसी वेयर हाउस का या किसी स्टील फैक्ट्री का, तो वो लोग इसके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो ये जॉब्स आप देख लें अभी जो मैं बताने लगा हूँ, ये तमाम लोग जो इजीली अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ये वाला एक्सपीरियंस मौजूद है। कारपेंटर की जॉब है, ठीक है जी, कारपेंटर यानी कि पेंटर वगैरह हो गया, इसकी जॉब मौजूद है, तो एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपने काम किया हुआ अपनी होम कंट्री में या UAE के अंदर आपने काम किया हुआ, तो आप लाजम इस जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है, बड़ा अच्छा मौका है, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, तमाम चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, टाइम पे प्रोवाइड करेंगी। इसके बाद है जी वेल्डर की जॉब है, वेल्डर की, तो वेल्डर के जॉब के साथ साथ आ गया है जी स्टील एंड फैब्रिक जो होती है उसकी जॉब है, यानी कि वो फिटिंग वगैरह करनी होती है, कटिंग वगैरह करनी होती है, तो उसकी जॉब भी है। इसके बाद जी जॉब है जी वुड पॉलिशर और पेंटर की जॉब है, ठीक है। ये तमाम जॉबें मैं नीचे शो भी कर रहा हूँ, देखते जाएं, फिर मैं आगे अगेन अगेन शो करता जाऊँगा ताकि आपको समझ आती रहे कौन कौन सी जॉब है। अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं, टाइम और डेट की तरफ आते हैं। 4 नवंबर को इंटरव्यू है, ठीक है, और आपने टाइम से पहुंचना है, ठीक है। इसके अलावा टाइम सुन लें, 9 बजे से लेके 2 बजे तक का टाइम है, सुबह 9 से लेके दोपहर 2 बजे तक का टाइम है। तो आपको मैं अभी लोकेशन बताने लगा हूँ, लोकेशन आपने देख लेनी है, सुन लेनी है। लोकेशन पे आपने टाइम से पहुंचना है, अगर आपने बसों में जाना है, मेट्रो में जाना है, तो घर से आपने टाइम से निकलना है, ये नहीं कि आप लेट हो जाएँ, तो कोशिश करें टाइम से निकलें, ठीक है जी। इसकी जो लोकेशन है जी वो स्ट्रीट नंबर 6A, जो सड़क नंबर है वो 6A है, वेयर हाउस नंबर है 33, ठीक है, स्ट्रीट नंबर 6A और स्ट्रीट वेयर हाउस नंबर है 33, 33 नंबर वेयर हाउस है, और इसके पास जो सुन लें अब नियर बिहाइंड टाइम स्क्वायर, जो नियर है वो जी बिहाइंड टाइम स्क्वायर, ठीक है, टाइम स्क्वायर, और ये लोकेशन है अलकूज़ दुबई के अंदर। अलकूज़ के अंदर आप जब पहुँचेंगे तो स्ट्रीट नंबर आपने A6 देखनी है, उसके बाद आपने वेयर हाउस नंबर 33 और उसी वेयर हाउस में इंटरव्यू है, ठीक है, तो आपने वहाँ पर पहुँचना है। अगर जिन लोगों को लोकेशन नहीं समझ आ रही, वो जो नहीं यानी कि गूगल वगैरह चलाना जानते, मैप नहीं चलाना जानते,
तो अपने किसी दोस्त से, अपने किसी अजीज़ से वो आप लोकेशन निकलवा लें, ठीक है, और लोकेशन को फॉलो करना आपने, लोकेशन लगा के चले जाएं, जो गाड़ी पर जाएंगे लोकेशन लगा के चले जाएं, जिन्होंने बसों में जाना है या मेट्रो पे जाना है तो वो घर से लोकेशन कंफर्म करें, ठीक है, कंफर्म करके लोकेशन फिर आपने निकल जाना, ताकि वहाँ पर जाकर आप फिर इधर उधर ना घूमते रहें और घूम ना जाएँ। घूमने से मुराद है कि टाइम वेस्ट होगा, ज़ाहिर बात आप लॉस्ट हो जाएंगे वहाँ पर, टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है आपने अपने किसी अजीज़ से समझ लेना, अगर आपको नहीं समझ आती तो आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। कारपेंटर क्यों होगा, यानी कि पेंट वगैरह करने के लिए घरों में, बिल्डिंगों में, क्योंकि इनका काम देखें होटल के और अपार्टमेंट के साथ इनके काम है, जो अपार्टमेंट बनाते हैं और होटलों में, यानी कि बंदे को सप्लाई देते हैं, नए होटल बनाते हैं, तो उनमें यानी कि लेबर चाहिए होती है, तो कंपनी को इसलिए जो है वो लेबर चाहिए तमाम के तमाम। इसके अलावा और भी इस कंपनी के पास मज़ीद आगे वैकेंसीज़ आएंगी, अभी ये वाली वैकेंसीज़ आई हैं, ठीक है। तो आपका काम वही है कि जो भी वीज़ा आपके पास मौजूद है, विजिट वीज़ा है या फिर पक्का वीज़ा मौजूद है, आपने क्या करना है, सीवी बनवानी एक अच्छी सी, सीवी के ऊपर आपने अपना नाम पूरा लिखना है, फिर नेशनलिटी लिखनी है, किस कंट्री से, या डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम चीज़ें आपने मेंशन करनी है, और उसके अलावा पासपोर्ट नंबर आपने लिखना है अपना, और जो सेकंड चीज़ है वो आपने वीज़े का स्टेटस लिखना है, किस वीज़े के, कौन से वीज़े पे आप यूई के अंदर मौजूद हैं, विजिट वीज़े पे, कैंसिलेशन वीज़े पे, स्पॉन्सर वीज़े पे, या पक्के वीज़े पे मौजूद हैं, किसी किस्म का भी वीज़ा मौजूद है वो आपने लाजम ऊपर मेंशन करना है, और उसकी वैलिड डेट भी डालनी है, एक्सपायरी डेट भी डालनी है, कब आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है। तो ये चीज़ें आपने बड़े अच्छे तरीके से सीवी के ऊपर मेंशन करनी है, और उसके बाद एक पासपोर्ट साइज़ यानी कि फ़ोटो लगवानी है उसके ऊपर, वो आप सीवी वाले को बोल देंगे, वो सीवी यानी कि स्कैन करेगा आपकी फ़ोटो और ऊपर वो लगा देगा सीवी के ऊपर, और आपने बड़ी अच्छी सीवी बनवानी है उसके उसके ऊपर। आपने अगर बिलफर्ज़ आपने अगर कारपेंटर के लिए अप्लाई करना है तो आपने उसका एक्सपीरियंस लाजम डालना है, अपनी होम कंट्री का भी डालना है, और यूई के अंदर आपने काम जो किया हुआ है उसका एक्सपीरियंस भी डालना है। अगर आपको कारपेंटर का काम आता है जो आपने अपनी होम कंट्री में किया, लेकिन यूई के अंदर आप कोई और काम कर रहे हैं, तो आपने अपनी होम कंट्री का तमाम एक्सपीरियंस डालना है, ठीक है जी, कारपेंटर का काम। और बेसिक सीवी का मकसद आपको पता ही क्या होता है, कि वो फिर जो सीवी आप उनको देते हैं तो वो सीवी के मुतल्लिक ही, सीवी के ऊपर से ही आपसे फिर सवाल करते हैं, उसके अंदर से फिर आपसे वो जवाब लेते हैं कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है तो वो लिखा होगा ऊपर, तो उनके लिए इजी होगा कि ये बंदा कारपेंटर के लिए अप्लाई करने के लिए है, या लकड़ी पॉलिश के लिए आया है, पेंटर के लिए जॉब के लिए आया है, तो वो उसी के लिए, उसी उसी के मुतल्लिक ही आपसे सवाल पूछेंगे, तो उनके लिए इजी हो जाएगा, और आपसे फिर ज़ाहिर बात एक्सपीरियंस पूछे जाएंगे, वो लिखे भी होंगे, फिर आपसे वो काम के मुतल्लिक पूछ लेंगे जो यानी कि वो चाहते हैं बंदे से, बारीकी में यानी कि वो पूछेंगे आपसे, तो उसके लिए आपने रेडी होके जाना है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके लिए पहले ही आपने रेडी हो जाना, माइंड को प्रिपेयर कर लेना है, और अपने माइंड में एक इंटरव्यू का प्लान बना लेना है कि ये वो पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैंने किस किस्म के जवाब देने हैं, तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा, तो कंपनी फिर आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगी, इनके बड़े अच्छे बेनिफिट है, सैलरी भी अच्छी है, फिर अकोमोडेशन हो गया, पिक एंड ड्रॉप हो गया, और ये तमाम चीज़ें कंपनी आपको इंटरव्यू के दौरान ही बता देंगे, ठीक है। सैलरी भी, सैलरी डिपेंड करती है एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक्सपीरियंस आपका सीनियर वाला है तो उसके हिसाब से सैलरी आपकी 300-400 दरहम ज़्यादा भी लग सकती है, अगर हेल्पर के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस है तो सैलरी उस हिसाब से ही लगेगी, लेकिन सैलरी भी आपको अच्छी सैलरी मिलने वाली है और लॉन्ग टाइम जॉब चलने वाली है, ठीक है जी। अभी के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, और मेरी इसी तरह अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, अल्लाह हाफिज़।